विधानसभा के बजट सत्र को लेकर के तैयारियां शुरू हो गई हैं। हम विधानसभा की कार्यप्रणाली को पेपर लेस बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। नवनिर्वाचित सरकार का ये पहला बजट सत्र है, इसलिए इस सत्र के पहले विधायकों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। बजट सत्र को लेकर के ये जानकारी विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह ने दी, जिनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता आकाश सेन ने। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आगाज होने को है और उसके पहले अगर हम बात करें तो विधानसभा के बजट सत्र को लेकर खासी तैयारियां जो है विधानसभा में चल रही है। हमारे साथ विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह जी मौजूद हैं, उनसे चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले तो बजट सत्र की क्या तैयारियां हैं? देखिए, ये वैसे तो मानसून सत्र है, लेकिन चूंकि नई विधानसभा गठित हुई है और नई सरकार बनी है, इसलिए उसका बजट सत्र है। तो पूरी तैयारियां विधानसभा सचिवालय में की गई हैं और साथ ही साथ हमारे जो नए विधायक चुनकर के आए हैं उनके लिए भी हमको प्रबोधन कार्यक्रम रखा जाना था, तो उसकी भी संभावनाएं माननीय अध्यक्ष महोदय इसकी तिथियों का निर्धारण कर रहे हैं और लोकसभा के माननीय अध्यक्ष का निर्वाचन होने के उपरांत इसका अंतिम रूप दिया जाएगा। तो नए विधायकों को कैसे उनको जनहित के विषय सदन में उठाने की क्या प्रक्रियाएँ हैं, विभिन्न माध्यम चाहे प्रश्न हों ध्यानाकर्षण हों, इस संबंध में जो अनुभवी सदस्य हैं वो उनको जानकारी देंगे, तो प्रबोधन कार्यक्रम किए जाने का भी हम प्रावधान कर रहे हैं। तो इसके अलावा अधिकारियों की भी एक ट्रेनिंग सेशन की बात की जा रही है, विधायकों के साथ साथ 20 तारीख को बैठक भी बुलाई है। सर, क्या रणनीति है सर इस बैठक के पीछे? देखिए, जैसा हम जानते हैं कि चूंकि विधानसभा की बहुत सारी समितियां हैं, क्योंकि विधानसभा तो हर समय नहीं चलती लेकिन समितियों का कार्य सतत चलता रहता है, तो समितियों के जो प्रथम बैठक हुई थी वित्त समितियों की, उसमें कतिपय जो समितियों के सभापति थे उन्होंने माननीय अध्यक्ष महोदय से मांग की थी कि कुछ जानकारियां समितियों में समय पर नहीं आ पाती हैं, कई बार अधिकारी समय पर समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हो पाते हैं, इसलिए समितियों के कार्य प्रभावी ढंग से संपादित नहीं हो पाते। इसी दृष्टि से माननीय अध्यक्ष द्वारा एक जो मुख्य सचिव और उनके सारे विभाग प्रमुख जो अधिकारी हैं शासन के, उनकी एक संयुक्त बैठक रखी गई है जिसमें समितियों के सभापति भी रहेंगे, तो सभापति अपने सुझाव देंगे और उनका जो है कैसे लागू करना है, प्रभावी ढंग से किस तरह से समितियाँ काम कर सकें, इस संबंध में वो बैठक एक समन्वय के रूप में रखी गई है जिसमें कार्यपालिका और विधायिका दोनों के प्रतिनिधि रहेंगे। तो इसके अलावा बात करें, कई विभागों के जो जवाब हैं एक जानकारी एकत्रित की जा रही है, इस तरीके के आते थे, उसको लेकर भी अब आप लोग एक्शन मूड में नजर आ रहे हैं सर? देखिए, अब चूंकि हमारे यहाँ संचार के माध्यम काफ़ी हो गए हैं, पहले एक समय रहता था कि अगर वहाँ से जिले से या ब्लॉक लेवल से जानकारी आनी है तो विशेष भाग के माध्यम से आती थी तो कुछ समय लगता था, लेकिन आजकल सारे ईमेल और दूसरे सारे संचार के माध्यम हैं तो तत्परता से जानकारियाँ इकट्ठी की जा सकती हैं और भेजी जा सकती हैं। इसलिए प्रयास ये है कि अब विधायकों को जो सदन में मान ली प्रश्नों की आप बात कर रहे हैं, यदि प्रश्नों के संबंधित जानकारी है तो वो तत्परता से जो समय सीमा निर्धारित है उसके अंतर्गत विधानसभा सचिवालय को आ जाए और हम उनको फिर प्रश्नोत्तरी में शामिल करके यथासमय सदस्यों को दे दें, ताकि वो सदन में जब उनका प्रश्न आता है तो चर्चा में पूरी जानकारी के साथ वो अपनी जनहित का विषय वहाँ उठा सकें और प्रभावी ढंग से उसकी चर्चा कर सकें। सर, विधानसभा की कार्रवाई भी अब ऑनलाइन की जा रही है पूरी तरीके से, जो प्रश्न मंगाए जा रहे हैं वो भी ऑनलाइन मंगाए जा रहे हैं, विधायकों को भी कहा जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन का प्रयोग करें, सर उसके पीछे की मंशा? हाँ, उसके देखिए, जैसा मैंने कहा कि चूंकि संचार माध्यमों का उपयोग करना है, आईटी टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो हमारा प्रयास ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है विधानसभा की कार्रवाइयों को पेपरलेस बनाया जाए, कम से कम कागज़ का उपयोग हो जाता अच्छा है। और ऑनलाइन में एक ये फ़ायदा रहता है कि माननीय सदस्य अपने मान लीजिए अपने क्षेत्र में हैं वो विधानसभा के, तो वहाँ से ही वो कंप्यूटर के माध्यम से प्रश्न यहाँ जमा कर सकते हैं, एक तो समय बचता है उससे, कागज दोनों बचता है। इसी तरह से हम विभागों को भेज देते हैं, विभाग ऑनलाइन जो जानकारियाँ हमें भेजते हैं उसका हम परीक्षण करके और आगे कार्रवाई करते हैं, तो इसमें दोनों की बचत हो रही है, कागज़ की भी बचत हो रही है और समय की भी बचत हो रही है, तो इसलिए धीरे धीरे हम प्रक्रियाओं को विकसित कर रहे हैं। अब चूंकि नई विधानसभा गठित हुई है, पिछली विधानसभा में करीब 35-40% तक करते करते विधायकों ने ऑनलाइन देना प्रारंभ किया था, पहले 10% दिया फिर 25 पे ऐसा करके, अब नई विधानसभा में देखते हैं, अभी चूंकि नया गठित हुआ है प्रबोधन कार्यक्रम हो जाएगा, जब इस तरह से वो जब व्यवस्थाओं से वाकिफ हो जाएंगे तो उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य जो है ऑनलाइन प्रक्रिया का उपयोग करेंगे। थैंक यू सर। ये थे हमारे साथ मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह जी, जो साफ तौर पर बता रहे थे कि मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र की और बजट सत्र की जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं और विधायकों को ट्रेनिंग देने के साथ साथ अधिकारियों को भी ट्रेनिंग दिया जा रहा है और सामंजस्य बनाने का एक प्रयास जो है विधानसभा अपने स्तर पर कर रही है, जिससे जो जवाब सदन के अंदर दिए जाएं वो पूरी तरीके से पारदर्शी हों और संपूर्ण हों। कैमरा पर्सन नारायण के साथ आकाश सेन, ID24 भोपाल।